हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पॉकेट गुरु जी में। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई साइट विजिट करते हैं अपने ब्राउजर से, क्रोम ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, या फिर ओपेरा मिनी हो गया, कोई भी ब्राउजर हो गया आपका, जिस भी ब्राउजर का आप यूज़ करते हैं किसी साइट को विजिट करने के लिए, जब आप किसी साइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आपके सामने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं साइट के। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे फालतू नोटिफिकेशन आके आपका नोटिफिकेशन पैनल पर भर जाते हैं, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब आपके साथ ऐसा होता है तो। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो। इसमें मैं आपको दो तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बंद कर सकते हो हमेशा के लिए आपके फोन से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हयात खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको ब्राउज़र खोल लेना है, जिस भी ब्राउज़र से आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है ना, सिंपली उसको ओपन करना है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्रोम से जो सारे नोटिफिकेशन है वो आ रहा था, सिंपली यहाँ पे आना है क्रोम पे और यहाँ से सिंपली दोस्तों क्या करना है, स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके ब्राउजर से। तो ये तो था दोस्तों पहला सोल्यूशन। ऐसा आप किसी भी ब्राउजर पर कर सकते हो, किसी भी ब्राउजर से आपके पास आता है नोटिफिकेशन तो किसी पर भी ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा सोल्यूशन क्या है इसका, अगर आप चाहते हो कि कोई, अगर आप उसमें पासवर्ड डाले हुए हो, कुछ भी डाले हुए हो अपने ब्राउजर पे, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो सिंपली उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको जाना है अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर जो भी आपका है उसमें आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर है, उसको मैंने ओपन किया है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सारे ब्राउजर में होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे ऑल क्रोम नोटिफिकेशन या साइट नोटिफिकेशन, आपको सिंपली साइट नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। तो यहाँ से मान लीजिए ये नोटिफिकेशन मैंने बंद कर दिया, अब ऑल साइट्स नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद हो गया। आप भी ऐसे ही बंद कर लेना, आपके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप निश्चिंत होकर आप कुछ भी कर सकते हो। या तो अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑल क्रोम नोटिफिकेशन यहाँ पे आप बंद कर सकते हो, या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपका ब्राउजर है, उसका आप नोटिफिकेशन बंद कर देना। सिंपली आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन उस ब्राउजर से नहीं आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।